साहित्यिक परंपरा के परिपेक्ष में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए. श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। श्रीधर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए. श्रीधर शर्मा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। From the land where the Sabarmati Sangh Mahatma Gandhi Ji started his Satyagraha movement, I invite Kenny Patel, a class 10 student of Vadodara, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greeting, Prime Minister Sir. My name is Kenny Patel. I'm from Treehouse High School, Vadodara, Gujarat, from class 10th. My question is, how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and result, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you, sir. Thank you, Kenny. Maninia Pradhan Mantri Ji, Khushi, Shrithar Sharma, Tatha Kenny Patel, Pariksha ke tanav se vyathit hain. उन्हीं की तरह देश भर से अनेक विद्यार्थियों ने एग्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। परीक्षा के तनाव से लगभग सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता रही है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए, परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है, हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए।
पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूं, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं और उसमें आप विश्वास भरिए।